लाडले का है बर्थडे, फिर जश्न क्यों ना बने थ्रू आउट द डे। आ गया है कायरम का जन्मदिन, सिखानी आज और गोयनकास ने आज के दिन को खास बनाने के लिए कर ली है पूरी तैयारियां। वैसे भी कार्तिक और कायरव दोनों का ही बर्थडे है, तो आज सेलिब्रेशन भी डबल होगा ना। Oh yes, it's going to be a big, big celebration. कार्तिक कायरव का बर्थडे है और पूरा डिज्नी स्टाइल में किया हुआ है। यहाँ पे गूफी है, अलादीन है, जीनी है, सारे जितने डिज्नी कैरेक्टर्स हैं सारे इधर जिंदा हो चुके हैं और प्रॉपर बच्चे का बर्थडे मनाने की वो पूरी प्लानिंग की है। एंड लेट्स सी क्या क्या होता है, डांस होगा, गाना होगा, बहुत कुछ। सुबह सुबह नायरा कायरव को लेकर पहुंच गई है गोयनका हाउस, जहां कार्तिक ने कायरव के लिए अपने घर को ही डिज्नी लैंड बना दिया है। नायरा ने भी कार्तिक को सरप्राइज देने के लिए किया है खास इंतजाम। कार्तिक के जैसे ही सेम टू सेम ड्रेस पहने हैं उनके छोटे जना। प्लीज कोई हम दोनों की फोटो खींच लो, मैं और मेरा मिनी मी पापा बेटा ट्विन है, आई एम ट्विन। कायरव को देख कार्तिक की खुशी का ठिकाना नहीं है। हालांकि कार्तिक को अभी तक ये नहीं पता कि कायरव है उनसे इस कदर नाराज और जल्द ही इस पार्टी में आने वाला है नाराजगी वाला तूफान। कार्तिक को एग्जैक्टली पता नहीं है कि वो क्यों इतना खफा है। हाँ, दशहरा में वो डांट देते हैं अपने बच्चे को बिकॉज यू नो ही वाज इनसिक्योर अबाउट हिज सेफ्टी एंड वो डर जाते हैं कि जब वो राव दहन हो रहा होता है वो पीछे ही खड़े होते हैं तो उन पर कुछ उन्हें कुछ ना हो जाए, इस बात पर वो डर जाते हैं और उन्हें सुना देते हैं, चिल्ला उठते हैं और बाद में सॉरी भी कहते हैं, लेकिन he still does not understand, he still thinks कि शायद उनकी तबीयत खराब थी इसलिए उनका मूड ऑफ है या मे बी सम अदर रीजन, बट कार्तिक को अब तक पता नहीं कि उनका बेटा उनसे नाराज क्यों है। और फिर वक्त आता है केक कटिंग का। अरे जनरल, अब वक्त आ गया है जो पार्टी की सबसे जरूरी चीज होती है, मुस्कान। टाइम टू कट द केक। कायरव का बर्थडे केक भी बेहद खास है जिसे देख कार्तिक भी इमोशनल हो जाते हैं। पिक्चर जो आप लोग देख रहे हैं जिंदगी भर के लिए मेरे आगे, ये मोमेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल है और आई एम श्योर मेरे लिए किसी खरगोश नहीं, ये इस पल में मैं पहली बार अपने बच्चे से याद है ना आपको कह रहा हूँ एंजल अंकल ने मेरे छोटे को कोई नंबर दे दिया और उन्होंने फोन कर दिया और कॉल मुझे लगा, हम बात करते थे काफी दिनों, फिर ये जिद करने लगे कि नहीं मिलना ही मिलना है और इन्हें वक्त वगैरह सब पता था कि हम कब मिल रहे हैं, कैसे मिलने हैं, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ, वैसे ही स्काई पिंक हुआ, दो दो रेनबोज आए, बटरफ्लाईज हर जगह, व्हाइट लोटस और सबकी आंख मैं और कायरव फर्स्ट है। लेकिन कायरव तो है बेहद नाराज, दोनों अपने पापा के साथ एक भी
काटना नहीं चाहते हैं? मैं केक को फेंक दूंगा क्योंकि वो हमेशा मम्मा को डांटते रहते हैं। और फिर जब वो लड़ाई करना बंद कर देंगे मैं उनसे हैप्पी हो जाऊंगा। और जैसा कि कायरव ने कहा था वैसा ही किया, पूरा केक कायरव ने खराब कर दिया। भाई कायरव के बर्थडे सेलिब्रेशन में तो हो गया है हाई वोल्टेज ड्रामा। अब देखना ये होगा कि अपने रूठे कायरव को कैसे मनाएंगे कार्तिक, और पार्टी का जो माहौल कैसे खराब हुआ है, कैसे होगा ठीक। मुंबई से जारा खान की रिपोर्ट E24।